ठाकुर एमरजेंसी पटवा साहब की घोषणा आज हम कर रहे हैं आप, मैं उन्होंने साहब से कहूँगा कि कृपया फोटो तो सर इसमें है और उनको बुला नहीं पाया आज उनके एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल चल रहा है एग्जाम और बाद में उनका मॉर्निंग और नहीं आ पाएंगे। ठाकुर अमरचंद जी बड़ुआ साहब अमर रहे, ठाकुर अमरचंद जी बड़ुआ साहब अमर रहे, अमर रहे। हर बार के दो लोग बैठे थे, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग, और इसमें पांच निर्णायक रखे थे। ऑनलाइन प्रतियोगिता कराते वीडियो से हमको वीडियो की स्थिति वो बना रहे थे, और लास्ट में जब कम्प्लीट होने के बाद में इन्वाइट करके हमको भेजे थे, और फिर वो फोटो हमने खाली फोटो बना हुआ नहीं दिखे, वो फोटो हमने इमरजेंसी को भेजे। उसमें अपने आपको याद ही देखा होगा, राजीराम जी जो है अपने अभ्यास जी वो थे, बांगला पंचोली थी, चेतन और जी थे, ये निर्णायक थे, सुभाष भारद्वाज जी थे, और हेल्प कर दी निर्णायक किया। और वरिष्ठ समूह में ऋषा बिहार प्रथम रही, मेघा चौधरी द्वितीय रही, मेघना गुरुसानी तृतीय रही। इसी तरह कनिष्ठ वर्ग में बहुत टाइप टफ कॉम्पिटिशन था, इसलिए इनायत शेख और शाम्भवी सिन्हा को संयुक्त योजना बनाया गया। द्वितीय में भी टाई अप रहा समायरा शेख और कुकरेजा का, तृतीय स्थान पर भी टाई अप रहा चाहना के और लिखे सेना जी का। और इसमें ऐसा रहा कि सर कि निर्णायकों ने बोला कि इसमें कम से कम चार ऐसी प्रवेशियाँ हैं जिनको इनाम मिलना चाहिए था पर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनको हमने प्रोत्साहन पुरस्कार दिया। इसमें के एस गुरसानी, सृष्टि व्यास, जयराज गांधी और तेजस्वी साहू, इस तरह करके कुल हमने 13 प्रतिभागियों को प्रेरित किया। तो सर आप देखिए, आप उनके देखिए, उसी समय मैंने फाइल को सेव कर लिया था, मेरा इसका कलर तो मैं कब होगा। अब आप देखिए, ये विजय साहब की फोटो, मुस्लिम बच्चियाँ विशेष ध्यान देखने वाली बात है, दो बच्चियाँ तो मुस्लिम हैं, प्रथम वाली का, क्योंकि प्रथम वाली का हमने फोटो डिस्कस किया था, और बाकी लोगों का आप देखिए सर, बाकी लोगों की भी मिलना चाहिए। आप देखिए सर, ये बच्चों का ऑनलाइन प्रतियोगिता गूगल में टाइम आउट था, टाइम आउट पर बंद कर दिया। आज वो आपकी छोटी सी कृति का है अमरचंद बड़वा की, अरे गुरुदेव को गाड़ी में रखी ले जाओ। हो गया फोटो तो बाकी नहीं, वीडियो लिया था थोड़ा इधर, आप आ रहे पूरा भाई चौबे जी, चलो भाई क्यों आज पता नहीं समय की पाबंदी केवल रेलों के लिए। अमरचंद बड़वा की एक कृति है, बहुत सूक्ष्म कृति के ये निष्णात हस्ताक्षर है उदयपुर के, हर एक अवसर पर किसी न किसी महापुरुष की जीवनी हो कुछ भी हो, ये उसकी सूक्ष्मतम कृति बनाने का एक दुर्लभ कौशल अपने में रखते हैं। राष्ट्रपति अवार्डेड है, राज्यपाल अवार्डेड है, और दुनिया भर के लोगों के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ऐसे से चित्तौड़ा जी का आज के इस पावन पर्व पर मैं हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से विगत 3 दिनों से जारी ठाकुर अमरचंद बड़वा जयंती समारोह का आज तृतीय दिवस, आज उनका जन्मोत्सव है। आज ही के दिन 1721 में ठाकुर अमरचंद बड़वा का उनके पिता शंभूराम बड़वा के घर जन्म हुआ था और उन्होंने मेवाड़ के एक पाकशास्त्र के अध्यक्ष के रूप में, उनके पिताजी शंभूराम बड़वा भी पाकशास्त्र के अध्यक्ष थे, पाकशाला के अध्यक्ष थे मेवाड़ के, और उनके पुत्र उनके निधन के बाद ठाकुर अमरचंद बड़वा भी पाकशाला के अध्यक्ष रहे और उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए महाराणा प्रताप द्वितीय को उनको सिंहासन पर, राज सिंहासन पर विराजित करवाया। उसके बाद जो अगले महाराणा थे हमीर सिंह जी, इसके अलावा राज सिंह जी और हरि सिंह जी, इन सभी के कार्यकाल में ठाकुर अमरचंद बड़वा प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई युद्ध, विशेष रूप से क्षिप्रा वाला जो युद्ध 1769 में आयोजित हुआ था और जिसमें कि मेवाड़ की सारी सेना एक तरह से खेत हो गई थी, और उसके बाद जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि अब सिंधिया उदयपुर पर आक्रमण कर रहे हैं और उदयपुर पर आक्रमण करने की सारी तैयारी के लिए हरि सिंह जी ने विशेष रूप से ठाकुर अमरचंद बड़वा को यह जिम्मेदारी दी कि आप तैयारी करें, और उस ये जो विकट परिस्थिति पैदा हो गई है कि क्षिप्रा युद्ध में सारी सेना के काम आने के बाद यहाँ पर कोई शूरवीर उदयपुर में नहीं रहा, और उस विकट परिस्थिति में किस तरह से उन्होंने पूरा सैन्य प्रबंधन किया, किस तरह से उन्होंने शहर पनाह का निर्माण कराया, विभिन्न गढ़ियों का निर्माण कराया और जितने भी युद्ध के लिए सामग्री की आवश्यकता थी सारी तैयारी करके उन्होंने सिंधिया को 6 माह तक उदयपुर में नहीं घुसने दिया। यह उनकी एक विलक्षण प्रतिभा का ही परिणाम था, उनकी एक चाणक्य नीति थी जिसकी वजह से उन्होंने मेवाड़ को पराधीन होने से बचाया। इसके अलावा उनके अनेकों निर्माण कार्य जैसे कि बागोर की हवेली, त्रिपोलिया, इसके अलावा गणगौर घाट पर जो अमरेश्वर महादेव का मंदिर है, अमर नारायण का जो मंदिर है, अमरकोटा, अमरकुंड, इसके अलावा कठार के पास जो एक बहुत ही विशाल जल स्रोत है अपना अमरचंदिया तालाब, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। वो काफ़ी जनप्रिय प्रधानमंत्री रहे। आज हम उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के जयंती के अवसर पर, 301 की जयंती पर सब यहाँ एकत्र हुए और सभी ने भावभीनी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी सर, अमरचंद बड़वा की 301वीं जयंती है और ठाकुर अमरचंद बड़वा के पिता शंभूराम जी बड़वा ने यहाँ के महाराणा की बहुत सेवा की और जब मराठा आक्रमण हो रहे थे हमको ये विचित है कि महाराणा उदय सिंह जी ने इस उदयपुर को बसाया पर उस समय में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आक्रमण की बात, आक्रमण की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि राजधानी उस समय में गोगुंबा थी, इसलिए यहाँ कोई आक्रमण की संभावना नहीं थी। लेकिन जब चावंड राजधानी थी तब महाराणा अमर सिंह जी ने उदयपुर को राजधानी घोषित की और उसके बाद में उसकी सुरक्षा की आवश्यकता हुई तब यहाँ की शहरपना का निर्माण आरंभ हुआ, पर उसमें वो पूरा नहीं हो सका। किंतु जब मराठों के आक्रमण हुए और महादेव जी सिंधिया भाषण बगरा तक आ गया तब अमरचंद जी बड़वा ने इसके चारों ओर 9 किलोमीटर की एक सुरक्षित शहर बना करके उदयपुर को हमेशा के लिए सुरक्षित किया। यहाँ तक पानी का सवाल है, पिछोला झील केवल कुछ क्षेत्र तक सीमित थी लेकिन अमरचंद जी बड़वा ने आगे अमर ओटा बना करके उसको आगे सुरक्षा का और उसके आगे आयन नदी और उसके आगे फतेह सागर से जोड़ करके उदयपुर के जल प्रबंधन में भी एक उनकी बड़ी भूमिका हमको देखने को मिलती है। ये उनका बड़ा योगदान है और धार्मिक दृष्टि से वो खुद धार्मिक विचारों में थे, इसलिए उन्होंने अमरेश्वर महादेव का मंदिर एक मिनट और भी कई सारे निर्माण कार्य उन्होंने कराया। अमरचंदिया तालाब तो उन्होंने इतना बढ़िया बनाया कि आसपास गन्ने की खेती होती थी, आसपास के गांव में अमरचंदिया तालाब का पानी जाता था, गन्ने की खेती होती थी, वहां पर शुगर शक्कर बनने का कारखाना था और वहीं से सिंचाई भी होती थी, इसलिए अमरचंदिया तालाब का भी अपना एक महत्व है। ये उनका बड़ा योगदान माना जाएगा कि गाँव के लिए भी अमरचंद जी बड़वा ने बहुत ध्यान रखा कि गाँव के लोगों को भी आराम मिले, शहरी जनता को भी आराम मिले और उदयपुर नगर की शहर की सुरक्षा उन्होंने हमेशा के लिए अच्छा लगे उन्होंने सुरक्षित कर दिया। तो अमरचंद जी बड़वा की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका रही, वो बहुत देश प्रेम के व्यक्ति थे, राष्ट्र प्रेम उनमें
कूट कूट कर भरा था। उन्होंने महाराणा प्रताप की परंपरा में ही उदयपुर की सुरक्षा का जिम्मा लिया और मराठों को यहाँ आने से रोकने में सफलता प्राप्त की। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उदयपुर की सुप्रसिद्ध दूध तलाई का दृश्य। हमारे साथ है लोक जन सेवा संस्थान के संस्थापक आदरणीय जय किशन जी चौबे साहब, और आज हम मेवाड़ के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे चैनल पे जय किशन जी चौबे साहब अपने सुंदर विचारों से आज उदयपुर नहीं पूरे देश के लोगों को आज पता लगेगा कि मेवाड़ की कितनी बड़ी भूमिका है, कैसे यहाँ पर विभिन्न विभिन्न पद्धतियाँ शुरू हुई, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। मेवाड़ में हम 1-to-1 जय किशन जी चौबे साहब से, क्योंकि एक अच्छे इतिहासकार भी हैं, एक अच्छे जानकार भी हैं हमारे बीच में। आइए, तो आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम मेवाड़ की भूमिकाओं से, मैं और मैं मेरा मेवाड़। मेवाड़ जो है विश्व का सबसे पुराना प्राचीनतम राज परिवार, ये लगातार 1400 सालों से चला आ रहा है और संघर्ष में सबसे आगे रहे। ये हिंदुआ सूर्य कहलाते हैं और सूर्यवंशी भी है। गुहिलों के टाइम में काफ़ी उनका इतिहास कम मिलता है, पर उसके बाद में बप्पा रावल से लगभग बराबर इतिहास मतलब मिल रहा है। बप्पा रावल ने फारस तक लड़ाई लड़ी थी, जिसका परिणाम ये रहा कि 400 वर्षों तक मुगल इस हिंदुस्तान के अंदर घुस नहीं सके। और बप्पा रावल कितने विशाल हृदय थे कि उन्होंने भारत की राजकुमारी, मुस्लिम राजकुमारी से स्वयं शादी की और अपने सेनानायकों में से भी 101 मतलब शादी एक साथ हुई थी मुस्लिमों से। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, जब वानप्रस्थ ग्रहण कर रहे थे और अपने पुत्र को जब शासन दे दिया, तब वो जंगल वन में जाने के समय में वही महारानी उनके साथ गई थी। तो इतिहास जो है वो शुरू से ये बता रहा है कि मेवाड़ राजवंश के साथ सभी रूप लोग जो है समान रूप से सभी जातियाँ मेवाड़ के एक छत्र के नीचे उस शासन के साथ रही है। साथियों, आप इसके बाद में आप महाराणा कुंभ को देखेंगे तो वो भी इतने विचित्र और व्यक्ति थे कि वीर होने के साथ साथ संगीत के महान आचार्य थे। उनके समय में जितना साहित्य का जो काम हुआ है उतना शायद किसी के, और साथ ही इमारतों का, और लड़ाई उन्होंने इतनी लड़ी अपने समय में कि कभी वो जिंदगी में हारे नहीं। और मेवाड़ के 32 किलों का निर्माण उन्होंने किया। साथियों, आज जो हम उनको कुंभा को याद करते हैं और कुंभा के स्वर्णिम काल से हम जो गिनती करें तो उनसे भी लगभग 150-200 सालों तक मुगल नहीं आने पाए। फिर मुगलों को उन्होंने काफ़ी परास्त किया था, जिसका परिणाम है कि चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ आपको नजर आ रहा है, जो नोकखंड का बना हुआ है और कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। आज अच्छे से, आज इतनी साधन सुविधा होने के बाद में भी जब सब इंजीनियर वहाँ आके देखते तो वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग थी जो इतने विशाल भवन और इतनी मतलब आश्चर्यजनक इमारतें बनी। साथियों, ये मेवाड़ का सौभाग्य है कि उसके पश्चात महाराणा उदय सिंह हुए संगठन के समय में चित्तौड़ से निकलने के बाद उन्होंने वापस चित्तौड़ में, और महाराणा प्रताप जो पैदा हुए वो इतने विशाल थे। इस कड़ी में मैं बीच में महाराणा सांगा का नाम भूल रहा हूँ। महाराणा सांगा एक ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतने युद्ध किए कि उनके शरीर पर 80 घाव और एक आँख और एक हाथ चले गया था, फिर भी वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। और उस संघर्ष का ये था कि उनके चारों तरफ जितने सेनानायक या जो भी उनके साथ जुड़े उस लड़ाइयों से परेशान हो गए थे, मगर फिर भी क्या कि महाराणा सांगा ने जब बाबर से युद्ध किया तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े महाराणा सांगा ही साबित हुए। सब हिंदू ने उनके छत्र के नीचे लड़ाई लड़ी। किसी कारणवश महाराणा सांगा बारूद के उस इजाद की वजह से वो युद्ध हार गए, मगर फिर भी वो स्वर्णिम काल था महाराणा सांगा का,
एक छत के नीचे हिंदुस्तान के सभी क्षत्रिय समाज के लोग बाग एकजुट होकर लड़ाई लड़े। अगर हम वो लड़ाई जीत जाते तो निश्चित है कि यहाँ से मुस्लिम नाम खत्म हो जाते। उसके बाद में आप ये देखें तो महाराणा राज सिंह हुए, जिनके समय में मुस्लिमों में औरंगजेब हुआ जो सबसे ज़्यादा कट्टर था, और उसी के समय में हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया। आज जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में मुस्लिम है, उसमें से लगभग सभी मतलब जो है कन्वर्ट किए हुए, जिन्होंने मतलब उनको वापस कोई ले नहीं सका। हालांकि राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने प्रयास किए थे और उन मुस्लिमों को वापस लिया था। इसी तरीके कालांतर में महाराणा बप्पर रावल ने मतलब प्रयास किया था, धर्म संसद बुला के ये तय किया कि इन मुस्लिमों को वापस लिया जाए। ये परिपाटी आज की नहीं है, बप्पर रावल के समय में धर्म संसद बुला के मुस्लिमों को वापस कन्वर्ट किया था। इसके बाद में प्रयास नहीं होने से आज ये जो वातावरण गंदा हो रहा है उसका कारण ये। अब आप महाराणा राज सिंह जी पर आ जाइए। महाराणा राज सिंह जी ने, महाराणा प्रताप ने तो पूरा मतलब हिंदू सूर्य कहलाया और संघर्ष मुस्लिमों से करने में उन्होंने कभी परवाह नहीं की, और आखिर मुस्लिम भी परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद में उनके पुत्र अमर सिंह से उन्होंने समझौता किया, जो मेवाड़ के साथ चला रहा है समझौता, वो समझौता किया और मेवाड़ महाराणा को सह इज्जत उन्होंने कहा नहीं, आपका राजकुमार हमारे यहाँ आ सकता है, वो भी मतलब स्वतंत्रता के हिसाब से आएगा, हम उनको पूरा सम्मान देते हैं। और महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा राज सिंह के समय में यूपी में जितने भी कृष्ण मंदिर वगैरह हैं वो ध्वस्त किए गए, और वहाँ से जो गोस्वामियों ने जो उनकी प्रतिमाएं लेके निकले, उसमें से सिन्हा जी और कांकरौली वाले द्वारकाधीश जो आए हैं वो कहीं से आए हैं। महाराणा राज सिंह इतने पावरफुल थे कि उनकी सेना में उस समय लगभग 100,000 सैनिक थे, और हालांकि एक दफे वो भी थोड़ा हिचकिचाए है क्योंकि वो कट्टर, औरंगजेब इतना कट्टर था कि उसने पूरे शिवाजी के परिवार को मतलब ख़त्म कर दिया, और तड़पा तड़पा के मारा उस आदमी ने, इतना निष्कर्ष आदमी था। मगर उनकी माता महाराणा राज सिंह की माता ने कहा कि तुम हिंदुओं के रक्षक हो, और महाराणा की हैसियत से भले ही जान रहे नहीं रहे ये सिन्हनाथ जी की प्रतिमा मेवाड़ में आनी चाहिए। सिन्हनाथ जी की प्रतिमा और द्वारकाधीश की प्रतिमा महाराणा राज सिंह के समय में, उस वक्त अगर कुछ हिंदू राजा अगर प्रण कर लेते और महाराणा राज सिंह के साथ जोधपुर, जयपुर और अन्य जितने भी कोटार, ये जितने भी क्षत्रिय समाज के राजा हैं, वो अगर एक झंडे के नीचे आ जाते तो निश्चित है कि औरंगजेब को और उनका शासन मुगलों का ख़त्म हो जाता। मगर क्या दूरदृष्टि नहीं थी, और दूसरा ये कि क्षत्रिय समाज कभी हमला करना पसंद नहीं करता है, तो स्वतंत्रता प्रिय जरूर है और किसी को परेशान करने वाली उनकी प्रवृत्ति नहीं रही है। बाकी एक समय बहुत मजबूती का समय था महाराणा राज सिंह जी के समय, कि उस समय औरंगजेब भी पतन की ओर जा रहा था, उसकी भी शक्ति खत्म हो गई थी लड़ते लड़ते, वो समय बहुत बढ़िया था कि दिल्ली पे कब्जा हो सकता था। मगर गलती हिंदुओं की समझे या क्षत्रियों की समझे, किसी न किसी कारणवश दुर्भाग्यवश ये घटना नहीं हो पाई। इसके बाद आप चले। अच्छा, जो भी साहब एक बात और, राज सिंह जी की एक बात और थी कि वही एक प्रथम विकास पुरुष भी थे। हाँ। मेवाड़ के विकास में नहीं, व्यवहार के विकास तो किया लेकिन धर्म पुरुष भी वही थे और विकास पुरुष भी वही थे। उन्होंने आज आप देखो चारों तरफ तो राजसमंद झील बनाई और ये दोनों तीनों मंदिर वगैरह आए, और उनके कार्य में स्वर्णिम काल रहा, और इसी क्रम में उनके पुत्र जो है उन्होंने चुपचाप मतलब महाराणा को कुछ कहा नहीं, और आज जो जैसमंद जो झील है एशिया में सेकेंड नंबर की कृत्रिम झील है मीठे पानी, वो झील उन्होंने बनवाई, और आज अगर वो झील किसी कारणवश यानी विकास के घर से विकास ही पैदा हुआ। बिल्कुल,
और आप आश्चर्य करेंगे उसके बाद में महाराणा करण सिंह ऐसे हुए और मुगलों में शाहजहां उस वक्त ऐसा हुआ जिन्होंने उनका दोनों का स्वर्णिम काल मेवाड़ में स्वर्णिम काल करण सिंह जी का रहा। उन्होंने आज जितने भी काम करवाए जो कुछ भी नजर आ रहा है महाराणा करण सिंह जी की जय। इसी क्रम में मुगलों में शाहजहां ने दोनों पगड़ी बदल भाई, मतलब आप ये देखिए मुगलों के विरोधी होते हुए मुगलों को उन्होंने सहयोग भी दिया मेवाड़ में। मेवाड़ की परंपरा मतलब कितनी मजबूत थी कि अपने विरोधी को भी उन्होंने शरण देके और उसके पिता के खिलाफ सहयोग दिया। और उसने भी मतलब जब वो खुद शाहजहां सम्राट बना तो मेवाड़ को उसी तरीके से मान सम्मान दिया। और आज जो हमारे पिछोला में जो डोल लेक पैलेस और ये जो दिन में जो महल बने हुए हैं एक महल में शाहजहां यहाँ रुका था और आज उस महल की जो जगमंदिर की जो कारीगरी आप देखेंगे उस कारीगरी को अगर देखते हुए आप आगरा के ताजमहल को देखेंगे तो यहाँ के गुंबद और आगरा के ताजमहल के गुंबद जो है वो एक जैसे, मतलब कैसी गंगा जमनी व्यवस्थाएं मतलब मेवाड़ ने की। अब इसके बाद आप आ जाइए लास्ट महाराणा गुलिंग के हिसाब से लास्ट महाराणा रहे भोपाल सिंह, जिनके पैर नहीं होते हुए भी उन्होंने जो काम किया वो विश्व में उनके मुकाबले किसी नहीं मिलते। यहाँ कौन सा परिवर्तन आता है? यहाँ परिवर्तन ये आता है कि पुरानी परंपराएं रूढ़िवादिता और जो भी थी उसको दूर करते हुए उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, चिकित्सा को बढ़ावा दिया और यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। कहने का मतलब सामाजिक परिवर्तन आता है, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन, चिकित्सा सुविधाएं पैदा की उन्होंने और भोपाल नोबल संस्थान उन्होंने बनाया। एमबी कॉलेज जो है वो उनकी देन, आज मीरागंज कॉलेज की बिल्डिंग है उनकी देन और रेजिडेंसी स्कूल चल रही है वो भी उन्हीं की देन, कंवरपदा स्कूल उनकी देन, जगदीश चौक कन्याशाला उनकी देन, फतेह मेमोरियल, ये जितने भी आज जो भी दिख रहे हैं वो महाराणा गोपाल सिंह जी के समय में काम हुए, चाहे वहाँ चित्तौड़ में काम हुआ हो वो भी महाराणा गोपाल सिंह जी के समय और महाराणा फतेह सिंह जी के समय, और सज्जनगढ़ जो बना है उसमें भी उन्होंने काम करवाया और कुंभलगढ़ में भी महाराणा फतेह सिंह जी और गोपाल सिंह जी ने काम करवाया। गोपाल सिंह जी की एक सबसे बड़ी देन ये रही कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे इस मेवाड़ के शक्तिशाली और महान योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह जी जो सरदार पटेल के पीछे थे एकीकरण करने में और हैदराबाद रियासत के हथियार डलवाने में मुख्य रोल उनका था। ये जो स्टेट देनी थी तो हमारे यहाँ राघवाचार्य जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो राघवाचार्य जी ने महाराणा भोपाल सिंह जी से निवेदन किया, हुजूर मेवाड़ तो सदा से स्वतंत्र रहा है, आप भारत में नहीं मिल रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, भारत आप में मिल रहा है, इसीलिए आप इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना रियासत का समर्पण करें, क्योंकि मेवाड़ में जो है वो जी मेवाड़ साथ भारत मिल रहा है। तो मेरा ये है कि मेवाड़ रियासत ऐसी रही कि अंतिम रूलिंग महाराणा जो रहे उन्होंने भी अपनी शक्ति से अधिक काम किया और आप जाके देखिए मतलब जहाँ कहीं भी देखेंगे महाराणा भोपाल सिंह जी ने खूब जी भर के दान दिया, बिल्डिंगें बनाई, मंदिर बनवाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो मेवाड़ के दानवीर करण कहलाते। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ मैंने महाराणा भोपाल सिंह जी का जन्मदिन लिया है और जिस रोज जन्मदिन हुआ सेकंड रोज किसी ने महाराणा साहब को अर्ज कर दी कि साहब आपके जन्मदिन के दिन कजोड़ के दोहता हुआ है, क्योंकि नाना जी को कजोड़ी कहा जाता था और उनके पांच शास्त्री थे महाराणा भोपाल सिंह जी के, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा जन्मदिन किसी ने लिया है। तो उनका जो निजी जो खर्च होता था कलमदान का खर्च, महाराणा साहब ने उस कलमदान के खर्च में बचत करके और मेरे
पैदा होने की जो प्रक्रिया में जो खर्चा होता है, इवन जो बेटी को विदा करते हैं, विदा करने के समय कपड़ा वगैरह जो श्रद्धा अनुसार जो दिया जाता है, चाहे आप उसको दान समझें चाहे दहेज समझें, जो परंपराएं चली आ रही उस परंपरा के अनुसार खाने पीने के सारे जितने मतलब बच्चा पैदा होने के बाद में जो खर्चा होता है वो सारा महलों से। और मेरी मदर तो गर्व के साथ कहती थी कि तेरे टाइम में महाराणा साहब के यहाँ से एक घी का पीपा पूरा आया और उसके साथ सारा सामान, और मुझे विदा देने की भी सारी प्रक्रियाएँ जो है वो महाराणा साहब के निजी से करती हूँ। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन हम हमारी संस्था लोक जन सेवा संस्था सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। और मेवाड़ के विभिन्न जो सामाजिक और हीरो रहे हैं, क्या लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह जी हो, क्या व्यापार से पीपी सिंगल साहब हो, क्या साहित्य से लक्ष्मी कुमारी चंदावत हो, चाहे नाथू सिंह जी मैयारिया हो, या हमारे हेमराज जी पहलवान हो, जितने भी राज सिंह जी डूंगरपुर हों, इन सभी के नाम से मैं सम्मान देता हूँ, क्योंकि हमारी मेवाड़ की गरिमा है कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। खेल के क्षेत्र में हम 3 सम्मान देते हैं, साहित्य के क्षेत्र में सभी तरह के सम्मान होते हैं, गोपाल जयंती के 5 दिन की कार्यक्रम पूजा अर्चना से लगा के इतिहास गोष्ठी और सम्मान समारोह विभिन्न क्षेत्र के लोगों, हमने अभी पूरे राजस्थान को कवर किया है। और ये जो अभी 2022 का जो सम्मान समारोह हुआ उसमें हमने राजस्थान के कोने कोने से 9 लोग विशेष तौर से आए थे, जिसमें से बीकानेर नोखा से, पाली से इतिहासकार, सरदार शहर से एक महिला साहित्यकार आई थी, और भीलवाड़ा से, विजयपुर से एक संत और वहाँ के सरपंच आए थे, और खिलाड़ी जो है वो भीलवाड़ा से। इस तरीके से लगभग मेवाड़ के क्षेत्रों से और राजस्थान के कोने कोने से लोग भाग। और हमारा प्रयास होगा कि अच्छे काम करने वाले जहाँ कहीं भी हो उन लोगों पर अभी हमारा एक प्रयास लोग कि मेवाड़ में जो अन्य समाज वालों ने काम किया, और ये अन्य समाज का जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये आज की तारीख में श्री जी अरविंद सिंह जी ने मुझे पर्सनली ये कहा था कि भाई जी, महाराणाओं के ऊपर तो खूब लिखा गया है, मगर आप अन्य सामंतों के ऊपर और अन्य समाज के लोगों के ऊपर भी लिखो और उनके नाम से भी मतलब मेवाड़ में नाम उजागर होना चाहिए। तो हमारी इस प्रक्रिया में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मेवाड़ में जो जागीरदारों की और जो अन्य समाज के लोगों ने काम किए वो भी उजागर होते रहें। और इस क्रम में हम मासिक पत्रिका निकालते हैं, उसमें बराबर हम काम कर रहे हैं। अभी देवगढ़ और गोगुंदा, देलवाड़ा और गोगुंदा क्रमश चल रहे हैं, और चचीदेव हमारा जो सिंध का राजा हुआ उसका लेख चल रहा है। और इसी तरीके से इतिहास के अन्य, और हमने तो लोगों से जो चर्चा करते हैं 70 साल में सब इतिहास बिगड़ गया, हम ये कहते हैं भाई आप इतिहास में नई रिसर्च करो, कुछ सुधारो, और किसके प्रति लिखना है वो हम मतलब छापने के लिए तैयार हैं। पर अभी हमें आश्चर्य होता है कि लोग बात चर्चाएँ तो बहुत कर लेते हैं मगर चर्चाओं को परिणति नहीं कर पा रहे। तो हमारा प्रयास ये कि हम इसको परिणति भी करें और लोगों को ऐसे लोगों को समूह तैयार करें जो अन्य लोगों के ऊपर लिख सके। और ये जो मेवाड़ का इतिहास जो स्वर्णिम इतिहास है, विश्व का नंबर 1 मतलब क्षत्रिय राजवंश है, इसके साथ साथ जिन लोगों ने मतलब संघर्ष किया, आप ये देखें कि महाराणा प्रताप के समय में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसने लड़ाई नहीं लड़ी, मतलब एक हरिजन से लगा के वणिक तक होने मतलब लड़ाई और बहादुरी के साथ लड़ाई। आज हमारे अमरचंद जी बड़वा चना जी ब्राह्मण रहे, उन्होंने भी सेनानायक की हैसियत से और प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करते हुए, जो होलकर, सिंधिया और पिंडरी जिन्होंने मेवाड़ को घेर रखा था, 6 महीने तक उनको अटकाए रखा, क्यों कि जब अड़के खाल में मेवाड़ की हार हुई तो सब सामान और सेनाएं सब खत्म हो चुकी, सिंधिया ने सोचा अब तो जाके मेवाड़ पर कब्जा ही करना बाकी रहा। उस कठिन समय में महाराणा हरि सिंह जी ने जब अमरचंद जी बड़वा से रिक्वेस्ट की, क्योंकि ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण हमेशा क्या है कि इज्जत को कह रहा है, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट को मानते हुए
आप आश्चर्य करेंगे उस आदमी में कूटनीति कितनी चतुर कितना था वो, और सेना नायक भी कितना था कि जो सिंधी सेना का जमादार था, उस जमादार की सेना को जो तीन तीन महीने की एडवांस तनख्वाह दी जबकि खजाना खाली था, फिर भी व्यवस्थाएँ करके और जो सोने चांदी के जेवर वगैरह जो भी फालतू चीज़ें थी उनको सबको गला के और सिक्के बना कर तनख्वाहें दे दी, और उसी जमादार के मुँह से सिंधिया को कहलवाया तो पंडित जी के कहने से हम भूखे रह के भी लड़ने को तैयार, और वो जो संधि पत्र था फाड़ के फेंक दिया कि अगर संधि करनी है तो हमारी शर्तों पे संधि होगी, ये तो मैदान में हो। मतलब ऐसी कठिन परिस्थितियों में, इसी तरीके से उस कठिन परिस्थिति में जब माटला मंगरा पे जो तोप लगी हुई थी वो तोप देबारी तक मार करती थी, उस तोप को चलाने वाले बाघ सिंह जी को 50,000 रुपये रिश्वत दी गई उनको खरीदने की मुहिम में, मगर उन्होंने वो 50,000 लेके राजकोष में जमा कराए और गोले दना दन उन्होंने और ज़्यादा ताकत के साथ गोले फेंके, जिससे वो होलकर पिंडारी और सिंधिया घबरा गए और अपने मेवाड़ के प्रधानमंत्री और सेना के जमादार की हैसियत से उनसे समझौता किया और सम्मानजनक समझौता हुआ। उस समझौते का परिणाम ये रहा कि हमारे इस मेवाड़ के क्षेत्र से जावद अठाणा जीरण सिंगोली और नीमच और मंदसौर के आसपास के सारे इलाके हमारे को मजबूरी में खोने पड़े, क्योंकि उसके बाद में हम इसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहे और कठिन परिस्थितियों में ये राज परिवार संघर्ष करता हुआ चलता रहा कि वो इलाके हम उनसे ले नहीं सके और वो आज एमपी का मध्य प्रदेश का हिस्सा है। साथ ही ये आज जो मैंने आपको संस्कृत में मेवाड़ की इतिहास की जो जानकारी दी है ये बहुत ही मतलब कम है, मेवाड़ ने जो किया है वो विश्व में कोई नहीं कर सकता, इसीलिए आप आश्चर्य करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के समाप्त होने के बाद में जो चौहान है उनके दो ठिकाने आज मेवाड़ में उनके सम्मान सहित कोठरिया और बेदला दो ठिकाने दिए। इसी तरह महाराजा विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संवत चल रहा है, आज किसी को ये पता नहीं है कि महाराजा विक्रमादित्य का परिवार कौन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराजा विक्रमादित्य का परिवार जो है बिजोलिया ठिकाना है, और बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ ने दिया उनको और मान सम्मान बढ़ा है। इसी तरीके से अन्य क्षत्रियों में सरदारगढ़ ठिकाना जो है वो सरदारगढ़ वाले छोटे भाई है, यहाँ की राजमाता और महारानी जो उज्जैन तीर्थ यात्रा में जा रही थी उनको लोगों ने परेशान किया और लूटा, तो डोडियाओं ने उनको बचा के और सम्मान सहित मेवाड़ में भिजवाया, तो महाराणा साहब ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने छोटे भाई को जो आज सरदारगढ़ के जो जागीरदार ठाकुर हैं वो छोटे भाई हैं। और इसी तरीके से आप ये देखो राठौड़ जितने आए हैं, जेठमल राठौड़ जो परिवार जो आया वो लड़ना चाहता था, और इस हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी कोई स्वाभाविक इच्छा से लड़ना चाहता है किसी समाज का भी, वो महाराणा प्रताप के समय में इस राज परिवार से जुड़ा और समय समय पर चाहे वो महाराणा सांगा हो चाहे महाराणा कुंभा हो, इनके समय में अन्य जो क्षत्रिय हैं अन्य समाज हैं वो लड़ने की प्रवृत्ति के कारण से मेवाड़ में आए। तो ये मेवाड़ की एक अद्भुत मतलब शक्ति और मनोस्थिति थी कि आने वालों को उन्होंने अपने में समाया और उनको मान सम्मान दिया, और मान सम्मान ही नहीं दिया उनके परिवारों में साझे की। महाराणा सांगा ने बिजोलिया में शादी की, महाराणा प्रताप ने बिजोलिया में शादी की, इसी तरह इन ठिकानों में आपस में शादी करके संबंध को मजबूत किया, इसीलिए आज मेवाड़ जीवित है। मेवाड़ के सामंत जो भी थे वो राज परिवार के बिल्कुल निकटतम रहे, चाहे वो अन्य समाज बाहर से आए हुए हों चाहे यहाँ के हों। चुंडावत आप देखो आज 8 परिवार जो हैं सामंत चुंडावत के भाई बहन, छक्कावतों के परिवार इनके, झाला झाला का तो मैं उदाहरण देना भूल ही गया, झाला गुजरात में जितने सम्मानित नहीं हुए जितने चर्चित नहीं हुए मेवाड़ में आने के बाद में, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेवाड़ का नंबर 1 जो जागीरदार है वो झाला है, बड़ी सादरी गोगुंदा और देलवाड़ा और जाड़ोल, ये 4 जो ठिकाने हैं ये झाड़ोलों के, झाड़ोल और ये सारे ठिकाने झालाओं के ठिकाने हैं,
और जालाओं ने समय समय पर अपने गर्दन कटा के और मेवाड़ के लिए, चाहे वो महाराणा के थांगा के समय हो, चाहे ये महाराणा प्रताप के समय हो, अज्जा जी ने और सज्जा जी ने उस वक्त, और महाराणा प्रताप के समय में मन्ना जी ने, क्योंकि वो सेम महाराणा प्रताप जैसे लगते थे, चुपी थी उन्होंने शस्त्र और छत्र धारण किए मेवाड़ के दो दफे, मतलब महाराणा थांगा के समय में और महाराणा प्रताप के समय में जालाओं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए सिर कटाने के लिए, मतलब बलिदान दिया, ये छत्र और चमर और इज्जत साथियों, मेवाड़ की इस याद को देखते हुए हमारा आंखों में पानी आ जाता है कि उस वक्त के लोग बाग कैसे वीर रहे होंगे, त्यागी रहे होंगे, जिन्होंने सरस परवानी की, हाड़ी रानी ने अपना सिर काट के दे दिया कि लड़ने के लिए जाओ। तो साथियों, ये मेवाड़ में हम पैदा हुए, मैं भले मेरा बचपन ब्यावर में निकला पर मेरा जो जन्म है वो मेवाड़ में है और मेरी माता जो है मेवाड़ की, आज ये ब्लड जो है वो मेवाड़ का होने की वजह से बोलता है, और आज जो हम जो भी काम कर रहे हैं वो इस मेवाड़ भूमि की वजह से, प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। तो मेरा तो आज के दिन सभी से ये निवेदन है कि आप भी इसी तरीके से प्रेरणा प्राप्त करें और अच्छे कामों की अग्रसर हो, भाईचारा स्नेह और धार्मिक व्यवस्थाओं में सहयोग करें। धन्यवाद। मैं और मेरा मेवाड़, हमारा टॉपिक था मैं और मेरा। हम उनको भूल गए जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा की और मेवाड़ के लाल को बचा के लाए। पन्ना का जो मैं नहीं होता तो मेवाड़ कैसे होता। पन्ना का पन्नादायक योगदान देखिए आप, पन्ना ने अपने पुत्र को जो है अपने सामने मरते हुए देखा, उनको शहीद होते हुए देखा, वो कैसी वीरांगना थी जिनके आँख के अंदर एक आँख, जिसका पुत्र बलि जा रहा है और आँख में आंसू तक नहीं लिया, कारण अगर आंसू आते हैं तो उसको बंधुवीर को पता लग जाता है कि नहीं ये पुत्र उदय सिंह नहीं है, ये तो ऐसी वीरणा उसके साथ में जो पुत्र को बाहर लेके आए, उदय सिंह जी को डोकली में लेके बाहर आए, महिला से बाहर निकाला, कुंभगल तोड़ा है, वो समाज भी कितना जो है देशभक्ति से और प्रेरित होगा। मेवाड़ की तो बात ही अलग है। आप राणा प्रताप की बात करते हैं, राणा प्रताप की दो मियां की प्यार क्यों बोलती, क्योंकि उनकी माँ ने ये कहा कि प्रताप सामने अगर युद्ध कोई दुश्मन है और उसके हाथ में हथियार नहीं है तो अपने हथियार उसके हाथ में देके युद्ध करना, नियत के ऊपर युद्ध मत करना, और ऐसे मतलब आदर्श पुरुष जो मेवाड़ में हुए। मेवाड़ के अंदर यानी तीन तीन पीढ़ी एक साथ में खत्म हुई है, कालांतर में ऐसा समय आया कि मेवाड़ के अंदर कोई लड़ने वाला नहीं था। आपने देखा होगा कि मेवाड़ के अंदर महाराणा दो दो तीन तीन चार चार जो रानियां होने का कारण यही था कि जैसे तैसे क्षत्रिय समाज कैसे वापस खड़ा हो गया, और इसी वजह से बहुविवाह किया करते थे वो और समझौता किया करते थे, और हमेशा मेवाड़ ने कभी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमेशा जो उनके साथ में सबको जो है अपने साथ में लगाया है, लेकिन जब दुश्मन सामने आया तो कभी उसको नहीं छोड़ा, दुश्मन को हमेशा उन्होंने जो मेवाड़ ने उनको शिकस्त दी है। हाँ, कुछ समय ऐसा हुआ जिनके पास में लड़ने वाले सेना ही नहीं थी, राजपूत ही नहीं थे, तो उनको जो है थोड़ा पीछे हटना पड़ा, लेकिन उस समय एक कूटनीति के साथ में पीछे हट के फिर उन्होंने वापस युद्ध किया समय के साथ में, और मेवाड़ ने केवल हिंदुस्तान और भारतीय संस्कृति की रक्षा की है, ये सबसे बड़ा जो है यानी किरत बारी करके जो एक थे जिन्होंने मतलब जो है उदय सिंह जी को अपनी उसमें टोकरी में ला के चित्तौड़ के किले से बाहर के कुंभगल पर पहुंचाया था। तो मेवाड़ की तो क्या कहें, यानी कर्नल टोड ने यहाँ कहा कि अगर इतिहास है तो हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के अंदर भी इतिहास है तो राजस्थान का, और राजस्थान में भी इतिहास है तो मेवाड़ा, अगर हिस्ट्री के अंदर से मेवाड़ का इतिहास अगर निकाल जाता है तो दुनिया का कोई इतिहास ही नहीं है। तो मेरे ऐसे मेवाड़ को सशक्त मन, ऐसे महाराणा को सशक्त मन जिन्होंने कुछ भी अपने स्वार्थ को त्याग करके केवल बलिदान दिया और देश और संस्कृति की रक्षा की, और इसी वजह से यहाँ के महाराणा हमेशा जो हिंदुआ सिंह कहलाए और आज भी उनके बलिदान को पूजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं मेवाड़ को देखूँ तो क्यों आँख से आंसू बहे, क्या हो गया?
का कारण ये है कि मतलब उनकी जो याद हमें आती है वो कैसे छूट भी रहे होंगे जिन्होंने मतलब अपने परवाह नहीं की गर्दन कटाने के लिए आगे बढ़ते। आप ये देखो आड़ी रहनी जो शादी करके ही आई उसने सिर काट के दिया का अगर ये पति वहाँ जा रहा है तो मेरे लिए सोचता रहेगा कि लड़ेगा। उस पति की भी आप वीरता देखिए, उस हाड़ी रानी का जो सिर है गले में बालों से बांध दिया और जब वो लड़ने गया तो सामने वालों ने सोचा ये रुद्र लड़ रहा है क्या, और एक छोटी सी सेना उस वक्त औरंगजेब की सेना को रोक पाई। कितनी बड़ी बात, मतलब आप ये देखो कि एक से एक बढ़ के वीर। आप ये किले में प्रवेश करने के लिए शर्त लगी, पहले किले में कौन प्रवेश, सत्यावत या चुंडावत। सत्यावत ने गेट के ऊपर अपना सिर लगा के हाथी को चढ़ाया जिससे हाथी दरवाजा तोड़ दे, तो चुंडावत ने अपनी गर्दन काट के किले में पहले पहुंचे। नहीं पहले हम पहुंचे हरौल में रहने के लिए। सत्यावत और चुंडावत कितने आतुर रहते थे, और गंगा जमनी जो मैं जो कह रहा हूँ अब ये कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं, पर क्या है कि मुस्लिम समाज वाले समय समय पर मेवाड़ के लिए लड़ते हैं, चाहे वो महाराणा हरि सिंह जी के समय रहे हो, चाहे महाराणा भीम सिंह जी के समय रहे हो, चाहे प्रताप के साथ मतलब हकीम का सूर लड़ा हो। और जो किंवदंती है या सही है ये भगवान ही जानता है, मगर कहते हैं कि हकीम का सूर के हाथ से मरने के बाद भी तलवार नहीं छूटी, और उसने मतलब वो मुस्लिम समाज का होते हुए उसने कहा मैं स्वतंत्रता के लिए महाराणाओं के साथ, और उसने लड़ाई लड़ी। आज उनको मुस्लिम समाज को सम्मान देने के लिए 16 उम्राओं के अलावा 17वां उम्रा विशेष तौर से मनाया गया। और जब महाराणा गोपाल सिंह जी के समय में रणगौर की सवारी निकलती थी, एक नाव में महाराणा और उनके जागीरदार बैठते थे और एक नाव में सिंधी सरकार बिठाया जाता था। मतलब मेवाड़ की जो परंपरा रही है वो कितनी बड़ी परंपरा रही है कि 17वें उम्राव को बराबर का दर्जा दिया था, और अपने परिवार के राजकुमारों को राज परिवारों को वो सामंतों से नीचे स्तर पर रखते थे। क्यों? जिससे सामंतों का और जो हमारे जो जो सेनानायक वगैरह हैं उनका सम्मान बढ़ा रहे, तो मेवाड़ के लिए मन से लगते हैं। ऐसी परंपराएं विश्व में कहीं भी नहीं रही जैसी परंपराएं मेवाड़ में रही, तो इसीलिए मेवाड़ 1400 सालों से संस्कृति और उसके लिए एकमात्र राज परिवार चला रहा है। चौबे साहब मेरा सवाल ये था कि मैं जब जब मेवाड़ को देखूँ तो क्यों रो पड़ता हूँ? एक अमृत समान हमारी जिले थी जिसका पानी सब पीते थे, आज जहर क्यों बन गई? आज देखो आप लड़ाई झगड़े मार गाड़ जो मेवाड़ के लोग एकता थी वो पता नहीं किसी की नज़र लग गई। जब जब भी मेवाड़ के देखूँ तो मेरा आंसू क्यों निकले? कहाँ जम संपत्ति को लेके झगड़े चले, जो हेरिटेज बनना चाहिए वो आप देखो शमशान घाट बनते जा रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है, बहुत तुम एक तरह से यूँ समझो चाहे रिसर्च की है मैंने, ये जो समय अभी लगभग 30 सालों से जो समय चल रहा वो समय आर्थिक समय चल रहा, इसमें न तो भाईबंदी रही न रिश्तेदारी रही है न व्यवहार काम आ रहा है। फिर भी एक बात ही अभी भी इसमें जो पर्सनल व्यवहार जो है वो अभी भी कायम है, बाकी सारे रिश्ते नाते सब खत्म। और इस आर्थिक समय में सबसे मूल कारण हो गया आर्थिक, चाहे बहुत बड़े लेवल पे देश लेवल पे भी आप देखो तो इन आर्थिक कारणों से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो। और आप नीचे के स्तर पे देखो तो अभी अभी जो ताज़ा घटनाएं जो हो रही है वो सब इस भाईचारा सभ्यता और संस्कृति की विनाश के कारण हो, और ये गत 30 सालों में ही हुआ, इसके पहले नहीं हुआ। पहले सब अपने भाईचारा स्नेह और मोहल्ले में हर मोहल्ले में कुछ नुमाइंदे ऐसे होते थे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जिनकी धाक रहती थी, चाहे वो समाज में हो चाहे महिलाओं में हो चाहे बच्चों में हो। वो आज जो धाक है और कहने सुनने की प्रवृत्ति खत्म हो, आज आप छोटा से छोटा बच्चा सिगरेट पीता हुआ नजर आ जाए। उस जमाने में मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ,
मेरे से बड़े भले दो साल भी बड़े मेरे मित्र के भाई भी होते हैं, तो मैं उनके सामने बड़ा शर्म महसूस करता था, मैं कोई काम नहीं करता। क्या आज ये है कि बच्चे बिल्कुल इस मोबाइल युग और टीवी संस्कृति ने सारा सत्यानाश और फिल्म इंडस्ट्री ने जो किया है, वो कुछ अच्छे फिल्मकार हुए हैं जिन्होंने अच्छे सीरियल भी दिए हैं, अच्छी पिक्चरें भी देते, मगर ज़्यादातर कमाई को आर्थिक मुद्दों की वजह से लड़ाई झगड़े और ये सारे चीज़ें दिखाते हैं जिनसे ये सारी सभ्यता और संस्कृति खत्म होती जा रही। मेरा सभी से ये निवेदन है कि वापस ऐसी संस्कृति बनाने के लिए जैसे हमारी अखाड़ा प्रवृत्ति थी, उस अखाड़ा प्रवृत्ति को जीवित करें, मंदिर प्रवृत्ति को जीवित करें और बराबर इसमें सहयोग देते रहे। और जो हमारे धर्मगुरु है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अन्य धर्मों से प्रेरणा ले। आज जैसे मुस्लिम समाज के जो लोग बाग हैं धर्म के लिए खर्चा करते हैं और क्रिश्चियन जो है धर्म परिवर्तन के लिए खर्चा करते हैं और वो सामने वाले को आर्थिक सहयोग देते हैं, उनको चिकित्सा सुविधाएं देके और उनका मन चेंज करते हैं, क्यों नहीं हम हिंदू लोग भी जब हमारे पास आर्थिक संसाधन है उनका उपयोग करते हुए हिंदू संस्कृति को और हिंदुओं को ऊपर उठाने का काम करें। ये मैं हिंदुस्तान के धर्म गुरुओं से, कुछ धर्म गुरु कर रहे हैं पर वो स्थिति नगण्य, मैं सभी धर्म गुरुओं से निवेदन करूँगा कि असमय और जो समय बहुत खराब चल रहा है उस समय में संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने भंडार को खोलें और इस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए काम नहीं करेंगे तब तक ये संस्कृति समाप्त होगी। इस आर्थिक युग में आर्थिक युग से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वालों को आर्थिक ही जवाब दिया जाएगा तभी जाके हम ये परिवर्तन कर पाएंगे। तो जय किशन जी चौबे साहब का और इंद्र सिंह जी का और आपका गणेश लाल जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, बहुत लंबी चर्चा हमारी हुई है। आइए मित्रों, इस मेवाड़ की जिले तो दूषित होगी लेकिन रिश्ते दूषित नहीं करें। एक ज़माना था जब हम जिलों का जल पिया करते थे, बिल्कुल हमारे पूर्वज कहते थे कि हम हाथ में भर के जल पीते थे और बीमारी नहीं होती थी, बीमारी कटती थी। आज अगर एक दो बार पानी पी लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि आज ही अस्पताल में जाना पड़ेगा। झीलों और बावड़ियों से सारा मतलब जल पिया जाता और आज हमने झीलों की दुर्दशा की, बावड़ियों की दुर्दशा की, कुछ बावड़ियों को तो हमने परमानेंट बंद कर, और ये सिर्फ स्वार्थ के कारण छोटे से जमीन के टुकड़े के साथ। अब उदयपुर के चारों तरफ जो है बावड़ियाँ बंद हुई है, इसका कारण ये जमीन का टुकड़ा। सही बात है, जहाँ कहीं भी, और ये बावड़ियाँ और झीलें जो है वो सबसे बड़ी प्रेरणा की स्रोत हमारे पीने का पानी। एक समय मैंने बचपन में देखा कि हम सिक्का डालते थे तो वो सिक्का हम वापस निकाल लेते, दिखाई देता था, इतना साफ था। और ये जो आयर नदी है, मैंने स्वयं ने आयड़ में ये जो आज संगीत का काम कर रहे हैं डबगढ़ लोग, इनके मकान के पीछे उस पानी को मैंने कार्टून कुल्ला करके वो पानी पीने लायक, आज ये है कि वो गंदा नाला बन गया। इसका कारण क्या रहा? कारण यही है कि हमने एक तो दुनिया भर के बांध बना दी, पानी की आवक खत्म कर दी, दूसरे ये है कि हम इसका दुरुपयोग कर। अच्छा चौबे साहब, आप एक अच्छे इतिहासकार भी हैं, एक अच्छे मेवाड़ के जाने माने चर्चित चेहरे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन मेवाड़ के वंशजों को कि वो अपनी कीर्तिमान को कैसे गौरवान्वित रखे, कैसे अपने पूर्वजों के प्रति अग्रसर रहे, छोटे से छोटा क्यों नहीं हो, चाहे वो बड़े से बड़ा क्यों ना हो। मैं सबसे पहले बड़े से ही शुरुआत, क्योंकि मैंने त्याग किया है इसलिए मैं त्याग के बलबूते पे कहने का हकदार। बिल्कुल, मैं भी सेकंड नंबर का भाई था, फिर से बड़े वाले ब्रदर महाराणा गोपाल सिंह जी की तरफ निकला है, इसका काम नहीं करता, तो मैंने त्याग करते हुए जब फादर की डेथ हुई समय आया तो सारा काम मैंने मेरे हाथ से किया, क्योंकि ब्रदर से तेज नहीं होने की वजह। पर जब पगड़ी का नंबर आया तो मैंने बड़े वाले भाई को, और जानकर आपको आश्चर्य हो गया कि बड़े वाले भाई ने शादी नहीं की थी, उनके पुत्र वगैरह कुछ नहीं थे, और उनके स्वर्गवास के बाद उनकी पगड़ी मैंने पहनी। अगर आप सोचें तो बड़े भाई की पगड़ी है, और अगर सोचें तो पिता की और बड़े भाई की पगड़ी दोनों मैंने पहनी। तो आज की तारीख में मैं दोनों जो समान रूप से निभा रहा हूँ,
बड़े भाई का कर्तव्य भी निभा रहा हूँ और पिता का कर्तव्य भी निभा रहा हूँ। ये आशा हम सभी से करें। आज मेवाड़ राजवंश जो विश्व में कीर्तिमान रहा है, आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बड़े भाई जो महाराणा है, और महाराणा ही नहीं ये हर घर और परिवार की परिपाटी है, तो बड़ा भाई तो घर का मुखिया होता है, आप अपने मुखिया को सम्मान सहित वो सम्मान दे और ये घर के झगड़े खत्म करें। और मैं इसी क्रम में मेवाड़ और सारे हिंदुस्तान के देशवासियों से अपील करता हूँ कि अपने परिवार को संगठन और संगठित करें। आज अगर आप परिवार को संगठित कर पाए तो आप अपने मोहल्ले को संगठित कर पाएंगे, अगर मोहल्ले को संगठित किया है तो आप अपने शहर को संगठित कर पाएंगे, और शहर को संगठित किया तो आप प्रदेश को संगठित कर पाएंगे, और प्रदेश को संगठित कर सकते हैं तो हम देश के लिए एक अच्छे मतलब संगठनकर्ता साबित हो सकते हैं। साथियों, ये संगठन का समय और बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता। मेरा आज के दिन सभी से ये निवेदन है कि सभी त्याग की भावना रखें। छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, बड़ा भाई को समय आया तो वो त्याग करें, छोटे भाई का त्याग का हो तो वो करें, भाई बंद रिश्तेदार को क्या करना हो तो वो क्या करें। आज मुझे ये बताइए कि रात को सोने के लिए 6 फीट जगह चाहिए, 6x4, इससे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। आपको दोनों टाइम खाना और तन पे कपड़ा चाहिए। आपके घर पे कोई अतिथि आया है, वो चाहता है कि मैं जल पीना चाहता हूँ तो जल, कोई चाहे कि भी मैं अल्पाहार लेना चाहता हूँ अल्पाहार, कोई खाना खाना चाहता हूँ अतिथि सत्कार। इसके अलावा आपको ज़रूरत क्या है, हमारे पिता ने हमारे वो सीखा है, इसलिए हम आज उसी परिपथ पर चलते हैं। आवश्यकता आपकी सीमित है, उस सीमित आवश्यकता को देखते हुए आप अपना परिवार चलाएं और उस काम को करें तो निश्चित है देश बहुत बड़े संगठन की ओर अग्रसित होगा, और इस समय संगठित होना बहुत ज़रूरी है। ये सब संक्रमण काल चल रहा है हमारा, चाहे जाति परिवार किसी भी तरीके से आप देखें, देश के प्रति देखें तो संक्रमण चल रहा है। इस संक्रमण में त्याग की भावना ही आगे बढ़ा सकती है। त्याग, प्रेम, स्नेह, स्वार्थ, एक दूसरे का भाईचारा, सम्मान करना सीखेंगे तो निश्चित एक वापस जो गरिमा है इस देश की वो प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जय कृष्ण जी चौबे साहब का, कि आपका शायद पूरा जीवन और मेवाड़ का पूरा वर्णन, पूरा इतिहास शायद आज हमने इस 45 मिनट की स्टोरी में हमने कवर किया है। और शायद 45 मिनट तक बोलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने छोटे रूप में जो 45 सालों में नहीं बोला जा सकता उसको आपने 45 मिनट में शॉर्ट में आपने मेवाड़ दर्शकों को और तमाम भारत के बैठे हुए लोगों को और अंतर्राष्ट्रीय जहाँ विदेश में भी बैठे हुए लोग जो देख रहे हैं मेवाड़ की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, राजाओं महाराजाओं और उन लोगों का जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो ठाकुर अमरचंद बड़वा हो, पन्ना धाय हो, सभी के वर्णन के बारे में आपने एक इतिहास के बारे में जाना है। और मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरी आवाज़ रहे और ये मेवाड़ रहे और मेवाड़ की आन बान और शान रहे और मेवाड़ में सब एकता के साथ रहे, जैसा कि हमारे महाराणाओं ने योगदान दिया है सभी देते रहें, इसको गंदा ना करें, इसको साफ़ सुथरा रखें। ये हमारा अपना मेवाड़ है और मेवाड़ को जितना साफ सुथरा रखेंगे तो हम भी उतने साफ सुथरे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत।